हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम गुलदाउदी की कटिंग कैसे लगाएं इसके बारे में बात करेंगे। तो गुलदाउदी की कटिंग मैंने अपने पुराने प्लांट से लेनी है, जो मेरा पुराना गुलदाउदी का प्लांट है, तो इसी से मैं कटिंग लूँगी। ये जो मेरा पुराना गुलदाउदी का प्लांट है, ये पिछले साल का है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई थी पिछले साल। तो जब भी हमने कटिंग लेनी हो तो ऊपर से सॉफ्ट ब्रांच की कटिंग लेनी है। कटिंग इसकी 3 या 4 इंच की ले, उसमें आसानी से रूटिंग हो जाती है। अगर हार्ड कटिंग लेंगे तो अच्छे से रूटिंग नहीं होगी। इसकी कटिंग जुलाई अगस्त के शुरू में लगानी चाहिए, तभी इसमें अक्टूबर या नवंबर में अच्छे से फ्लावरिंग हो जाती है। लेट लगाएंगे तो फ्लावरिंग भी लेट होगी। तो आज मैं इसकी अब कटिंग ले रही हूँ। कटिंग इसकी सॉफ्ट कटिंग ही लेनी है ऊपर से। ये देखिए मैंने ले ली है इसकी कटिंग। कटिंग लेने के बाद हमें क्या करना है, इसकी जो नीचे से पत्तियां हैं उनको रिमूव कर देना है। ऊपर की 2 या 3 पत्तियां इसकी रहने देनी है, बाकी सारी पत्तियां जो है रिमूव कर देनी है। इसके लिए जब भी हमें मिट्टी बनानी हो इसकी कटिंग लगाने के लिए, तो मिट्टी इसकी रेतीली अच्छी होती है। इसमें रेतीली मिट्टी में इसकी कटिंग अच्छे से चल पड़ती है। देखिए मैंने इसके कुछ कटिंग्स ले ली है, अब मैं इनको लगाऊंगी। मिट्टी मैंने पहले से ही तैयार करके रखी है। और कटिंग लगाते समय हमें क्या करना है, इसकी जो कटिंग है उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला लेना है। ये देखिए मैंने एलोवेरा में ही डिप कर दिया है इनको थोड़ी देर के लिए। इससे जो है इनकी रूटिंग अच्छे से हो जाती है। इसके लिए मैंने मिट्टी भी तैयार कर ली है, अब मैं इसमें जो है इसकी कटिंग लगाऊंगी। मिट्टी जो है ये सारी रेतीली मिट्टी है, तो कटिंग जितनी भी मैंने कटिंग इसमें एलोवेरा जेल में डिप की थी, इसको मैं इस पॉट में लगा रही हूँ। एलोवेरा जेल से सभी कटिंग अच्छे से चल पड़ती है, उनमें अच्छे से रूटिंग हो जाती है। ये कुछ कटिंग मैंने दूसरे प्लांट के लिए है, ये रेड कलर के फूल हैं इसमें, और इनको भी मैं रेतीली मिट्टी में लगाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने अलग से ये 4 कप लिए हैं, इनमें मैंने कुछ नीचे से होल करके इनमें रेतीली मिट्टी भर दी है। अभी इनमें भी मैं ये सारी कटिंग लगाऊंगी। पहले सारी कटिंग को मैं एलोवेरा जेल में डिप कर रही हूँ, इससे अच्छे से कटिंग लग जाएगी। गुलदाउदी की कटिंग लगाने के बाद हमने इनको 1 या 2 दिन के लिए छाया वाली जगह पे रखना है, इससे जो हमारी गुलदाउदी की कटिंग है वो आसानी से चल पड़ेगी। और गुलदाउदी की कटिंग जो है बिना एलोवेरा जेल के भी लग जाती है, इसमें आसानी से रूटिंग हो जाती है। जिनकी कटिंग नहीं लगती उनको एलोवेरा जेल से भी लगा सकते हैं, और यानी कि जिनके पास एलोवेरा नहीं है वो शहद यानी कि हनी उसमें डिप करके भी लगा सकते हैं, एलोवेरा की कटिंग आसानी से लग जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी ये सारी कटिंग लगा दी है। लगाने के बाद इन्हें एक बार हल्का सा पानी देना है। कटिंग लगाने के बाद इन्हें हमें हल्का सा पानी एक बार देना है, उसके बाद इनको छाया वाली जगह पे रख देना है, फिर पानी नहीं देना है इनको 1-2 दिन के लिए। और बाद में सारी कटिंग अच्छे से जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, हफ्ते भर के बाद या 2 हफ्ते के बाद हम इनको रिपोर्ट कर सकते हैं किसी बड़े प्लांट में। तो ये थी मेरी गुलदाउदी की कटिंग, मैंने लगा ली है, आप भी लगाइए। जुलाई अगस्त के महीने में लगाइए और अक्टूबर नवंबर में इनमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी। ये मेरे कुछ पुराने गुलदाउदी के पौधे हैं, ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, इनकी भी मेरे को साफ़ सफाई करनी है अभी।